आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए कद्दू से जुड़े कुछ खास नुस्खे लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी अनभिज्ञ होंगे। अक्सर घरों में कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनती है, जो काफी टेस्टी लगती है। कई बार फंक्शन और शादियों में भी कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनाई जाती है। कद्दू का इस्तेमाल कई तरह के सूप बनाने में भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह सब्जी आपकी त्वचा का निखार बढ़ाने के लिहाज से बहुत उपयोगी है। कद्दू में ऐसी कई खूबियां पाई जाती हैं, जिनसे न सिर्फ त्वचा की रंगत बढ़ जाती है, बल्कि त्वचा पर समय से पहले आ जाने वाली झुर्रियां भी गायब हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कद्दू से जुड़े कुछ बेनिफिट्स। जिन महिलाओं की ऑयली स्किन होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऑयली स्किन होने के कारण चेहरे पर अनचाहे किल मुहासे होने लगते हैं और चेहरे का नूर ख़त्म सा हो जाता है। लेकिन कद्दू के इस्तेमाल से त्वचा पर तेल की परत नहीं जमती। इसके लिए आप कद्दू का फेस पैक बना सकती हैं। कद्दू का फेस पैक चेहरे के लिए रामबाण है। एक चम्मच कद्दू का पेस्ट और एक चम्मच सिरका मिलाकर चेहरे पर लगा लें। इस मिश्रण को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे पर सामान्य तरीके से मॉइस्चराइजर लगा लें। आप पाएंगे कि फेस पैक के इस्तेमाल के बाद आपकी त्वचा पर लंबे समय तक ऑयल नहीं नजर आएगा। जिन महिलाओं की ड्राइनेस की समस्या होती है, उनकी स्किन पर अक्सर फ्लेक्स बनने लगते हैं, साथ ही उन्हें त्वचा खिंची खिंची भी महसूस होती है। इसके लिए आप एक चम्मच कद्दू के पेस्ट में एक चम्मच शहद, एक चम्मच दूध और आधा चम्मच खाने वाली क्रीम मिला लें। इस मिश्रण को त्वचा पर लगा लें। 15 मिनट बाद अपने चेहरे को सामान्य पानी से धो लें। इससे आपके चेहरे की त्वचा निखरी हुई नजर आएगी। कद्दू से बना फेस पैक न सिर्फ त्वचा के डेड सेल्स से मुक्ति देता है, बल्कि ये त्वचा का निखार बढ़ाने के लिहाज से बहुत ही असरदार है। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए एक चम्मच कद्दू के पेस्ट में एक चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें, बाद में त्वचा पर लगा लें। 20 मिनट इस पैक को लगाने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। नियमित रूप से इस पैक को लगाने से त्वचा निखरी व खिली खिली नजर आएगी। ऐसे ही आसान और फायदेमंद नुस्खों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। आप जुड़े रहें आरोग्यालय से। प्रणाम।